श्री टुंगनाथ महादेव वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। तो ये पंच केदार में से तीसरे केदार हैं। पहला है केदारनाथ, जहाँ पे शिव जी के हम्प प्रकट हुआ था। और तीसरा है टुंगनाथ, जहाँ पे शिव जी ने जब बुल रूप लिया था तो उनके आर्म्स प्रकट हुए थे। केदारनाथ की पहाड़ी है। इंडिया से ब्यूटीफुल कुछ नहीं है यार, सीरियसली देखो पीछे। पंच केदार जो थे वो पांडवों ने ही बनाए थे। 24 अप्रैल को बर्फ भाई। जय बाबा टुंगनाथ। हर हर भोले नमः शिवाय। ये है भाई स्टार्टिंग पॉइंट। जय टुंगनाथ महादेव। भाई 7:30 बजे शुरू करिए। जय टुंगनाथ महादेव। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। शुल्क लगेगा भाई। हर जगह से नज़ारे अलग लेवल है, कमाल है भाई। और चढ़ाई स्टीप है और अभी शुरू की है। 150 रुपये शुल्क लगा है भाई एडल्ट का। हो और सब ब्रांच के पेड़ है हर जगह, बहुत सुंदर है। काफ़ी लोग आए हैं। कैमरे में पता नहीं लग रहा बट एक्सट्रीमली स्टीप है। सो अगर आप हेल्थ वगैरह पे ध्यान देते हो तभी आओ, वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत ज़्यादा स्टीप है चढ़ाई। तो भाई अगर आपको मैं टुंगनाथ की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, तो ये पंच केदार में से तीसरे केदार हैं। पहला है केदारनाथ, जहाँ पे शिव जी के हम्प प्रकट हुआ था। दूसरा है मध्य महेश्वर, जहाँ पे नेवल स्टमक वाला पार्ट प्रकट हुआ था। और तीसरा है टुंगनाथ, जहाँ पे शिव जी ने जब बुल रूप लिया था तो उनके आर्म्स प्रकट हुए थे। चौथा है रुद्रनाथ, जहाँ पे उनकी शायद फेस प्रकट हुआ था। और पांचवा है कल्पेश्वर, जहाँ उनके केश प्रकट हुए थे। तो ये स्टोरी जाती है कोई 5000 साल पहले, आई थिंक सो, जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था और उनको फिर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने की ट्राई की, शिव जी उनसे गुस्से में थे, तो शिव जी ने फिर बुल का रूप ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन भीम उनको पहचान गया था। भीम ने फिर गुप्तकाशी में उनकी पूंछ पकड़ ली थी, लेकिन फिर वहाँ से शिव जी धरती के नीचे चले गए थे और इनविजिबल हो गए थे, तभी उस जगह का नाम गुप्तकाशी पड़ा हुआ है एक्चुअल में। और फिर बाकी पांच केदार में उनके बुल के 5 अलग अलग पार्ट्स प्रकट हुए थे। तो ये स्टोरी है और ये महिमा है अपने भाई भोलेनाथ की। बाकी भाई होठ सूख गए क्योंकि ठंड काफ़ी है, और लेकिन भाई रास्ता इतना सीनिक है, जितना रिकॉर्ड करो उतना कम। तो भाई अगर आप फिट हो, आना चाहते हो, तो डेफिनेटली टुंगनाथ पे आओ। बाकी पांचों केदार में से इसी का ट्रैक सबसे कम डिस्टेंस में है, 3.5 किलोमीटर। बाकी जो केदार हैं 4 केदार और इसके अलावा, उसमें तो 14 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। तो भाई मज़ा आ रहा है अपने को तो। और अभी चलते हैं आगे, ब्रेक लेते हैं, फ्रेंड आ जाएगा, पानी वानी पी लेगा, फिर बढ़ेंगे आगे। तो बोलो हर हर महादेव शिव शंभू। ओह वाह क्या जगह है भाई, ये देखो ये देखो ये देखो भाई साहब, आनंद। ये बुगियाल आ गया, आई थिंक ग्रासलैंड ऑन अ माउंटेन, पानी का जुगाड़ है।
कहाँ जाना है भाई, वहाँ ऊपर, वहाँ भाई क्या नज़ारे हैं भाई, इससे सुंदर मैंने कुछ नहीं देखा भाई। लद्दाख भी हुआ है बट ये जो है ये डिफरेंट है भाई, ये डिफरेंट। क्या व्यू आ रहा है, अलग है भाई ये तो जगह। हाँ जी, क्या हाल है, ऑल गुड। सांस चढ़ेगी, देखो कहाँ जाना है, वो देखो वो जा रहे लोग ऊपर, फोकस हो गया। ये तो टुंगनाथ की है, चंद्रशिला भी है अभी तो। हाँ बट भाई एक्सपीरियंस अलग है, कैमरे तो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा। हाँ हाँ, टुंगनाथ महादेव, मेहनत है भाई भगवान तक पहुँचने के लिए, बट मज़ा आ रहा है इस मेहनत करने में। 1 किलोमीटर आए हैं हम अभी, आधा घंटा 40 मिनट हुई है। हाँ, ये देखो भाई, ये केदारनाथ की पहाड़ी है, इसके पीछे मंदिर है। हाँ, और वहाँ नीचे से आ रहे हैं, ये देखो 3x zoom। कम ऑन, हर हर महादेव बोलते रहो और चलते रहो। डेढ़ किलोमीटर आए, टाइम अभी हुआ है 8:17, 50 मिनट भी नहीं हुए हैं, और रुकते रुकाते फोटो खींचते वीडियो बनाते आए हैं। 1.5 किलोमीटर हुआ है अभी, 3 किलोमीटर और बता रहे हैं एक गाइड भैया। सांस फूल रही है, होठ सूख रहे हैं, बट आनंद की प्राप्ति पूरी है भाई, ये श्योर है। बोले कि दरबार आओगे तो आनंद इतना मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको, द व्यूज टू डाई फॉर। हर हर महादेव, चलते चलो भाई, ज़्यादा रुकना नहीं है। और भाई श्री टुंगनाथ महादेव वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेंपल है, करीब आई थिंक 12,000+ feet की हाइट पे है, केदारनाथ से भी ज़्यादा हाइट है इसकी। तभी एकदम खड़ी चढ़ाई है, 1,000 मीटर की हम चढ़ाई कर चुके हैं, 3,000 मीटर आ चुके हैं, अभी तो और ऊपर जाना है। पहले बर्फ के अवशेष दिख गए, अभी तो मंदिर और 2.5 किलोमीटर दूर है। कल भी बहुत स्नो गिरी है चंद्रशिला में ऐसा बता रहे हैं, तो देखते हैं भाई कहाँ तक ट्रैकिंग कर पाएंगे, क्योंकि अपने स्नो बोर्ड्स नहीं लाया हूँ मैं भाई। यहाँ चाय वाय का भी जुगाड़ है, 1.5 किलोमीटर बचा है अब तो, चाय पी लेते हैं, चाय अपने लिए ऑक्सीजन का काम करती है। अच्छा चाय अपने लिए ऑक्सीजन है,
घर जी की ब्रांच है शायद। कमाल है कुदरत, इंडिया भाई, इंडिया से ब्यूटीफुल कुछ नहीं है यार। सीरियसली देखो पीछे, कुछ नहीं है इंडिया से सुंदर। वाह वाह, ये देख के फील होता है भाई, प्राउड टू बी इंडियन। ये भोले बाबा के पर्वत आ गई भाई अपनी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन 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 भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी भाई, एक्सट्रीमली स्टीप है ये। वाइड एंगल कैमरा में पता नहीं लग रहा, बट बहुत जबरदस्त स्टीप है। अभी 1.5 किलोमीटर और बचा है तो भाई इजी नहीं है बिल्कुल भी। हल्के में लेके मत आना, पूरी प्रिपरेशन करके आना, वरना ऑक्सीजन की कमी फील होगी आपको और तबीयत खराब हो सकती है। तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख के मत आ जाना, डिटेल में जो वीडियोस हों उनको देखना, वरना सिर्फ सीनिक व्यूज दिखा देते हैं सब और लोग आ जाते हैं, फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो डिटेल में जिन वीडियोस में हो वो वीडियोस देखो, तब आओ प्लान करके। ये है चंद्रशिला पीक, शायद बर्फ है भाई, बस भाई आई थिंक 1.5 किलोमीटर होगा, आई बिलीव वहाँ होगा। बस पहुँच ही गए यहाँ भाई, रावण शिला भी है, आई बिलीव ये हो सकती है। एग्जैक्ट नहीं पता यहाँ पे रावण ने तपस्या करी थी बहुत टाइम तक, तो बाकी ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। पंच केदार जो थे वो पांडवों ने ही बनाए थे सारे, पांडव भी कहाँ कहाँ पहुँच गए थे भाई। भाई ये बहुत ही स्टीप है, बहुत ज़्यादा लगेगी, हिम्मत लगेगी भाई। ये हो सकती है भाई रावण शिला, ये भी हो सकती है, पता नहीं। यहाँ चढ़ते हैं, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कमाल, ओ भाई, ओसम भाई ओसम। और वो पक्का चंद्रशिला है, पहली झलक ये रहा टंगनाथ महादेव। क्या बात है भाई, mesmerizing, no words, yeah, हर हर महादेव शिव शंभू। इस पहाड़ पे तो भाई पूरे बर्फ है, वाह फ्रेश है बिल्कुल। आकाश कुंड भाई, काफी बर्फ है यहाँ तो। मंदिर का यहाँ से बस पहुंच ही गए, अब 24 अप्रैल को बर्फ है भाई, कमाल है कुदरत का भी। और ये तो ब्लैक आइस है भी, फिसल सकते हैं भाई। भाई टाइम हुआ है 9:15, 7:30 चले थे, 2 घंटे नहीं लगे। What a beauty, look at this, कमाल है भाई, हर हर महादेव। हे हेलो,
Where are you from? England. England. भाई स्वागत है आपका वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेंपल. वाओ पौने दो घंटे पहुंच गए भाई. हर हर महादेव. जय बाबा टुंगनाथ. जय बाबा टुंगनाथ. जय श्री भैरवनाथ. ये पांच पांडवों के मंदिर होंगे. जय भैरवनाथ. हर हर महादेव. पांच केदार जी हैं. श्री केदारनाथ जी, मध्य महेश्वर, श्री टुंगनाथ बाबा, श्री रुद्रनाथ जी, श्री कल्पेश्वर. शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय.